हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज वी ऑल नो कि अभी एसबीआई का पीओ का वैकेंसी आने वाला है इन द अपकमिंग टाइम्स। सो ये जो पीओ का नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई का, उसके लिए आप लोगों का प्रिपरेशन अभी से तो चल रहा होगा, क्योंकि अभी हमारा आरआरबी पीओ साथ ही साथ एक हो जाता है आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, दोनों का एग्ज़ाम्स अभी चल रहा है। इसका मेंस अभी ख़त्म हो गया एंड आईबीपीएस का आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है, राइट। सो इन सब के बीच में टुडे वी आर गोइंग टू शो यू टुडे एक पीओ का सैलरी स्लिप, जो कि वन ईयर के बाद क्या रहता है एंड आफ्टर दिस जो अभी बाईपार्ट सेटलमेंट हुआ है, 12th बाईपार्ट सेटलमेंट हुआ है रिसेंटली, तो उसके बाद आज ए पीओ जो आप ज्वाइन करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन देन आपका सैलरी क्या होगा, जब आप इन हैंड क्या लेके जाओगे देन वो आपको अभी पता चल जाएगा। बस यहाँ पर वो उनका बस एक डिफरेंस रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वन ईयर के बाद एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाता है, विल टेल यू। सो स्टे ट्यून फॉर द फुल वीडियो एंड लेट्स डू इट। ये रहा एसबीआई पीओ का सैलरी स्लिप, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज सेप्टेम्बर का कम्प्लीटली लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पीओ है जो कि ज्वाइन किए थे 3/7 लास्ट जुलाई 2023 को उनका ज्वाइनिंग हुआ था, एंड उसके बाद उनका जो सैलरी अभी है, अभी उनका बेसिक है दैट इज़ 58,000। अभी उनका जो सैलरी है दैट इज बेसिक है, जो हमारा बेसिक सैलरी है वो है 58,480, ठीक है। एंड उसके बाद डीए हो जाता है 12,870 एंड आपको एक क्लोजिंग अलाउंस, ये वाला आपको नहीं मिलेगा हर टाइम, क्योंकि अगर क्लोजिंग अलाउंस जैसे हाफ ईयरली क्लोजिंग हो जाता है, ईयरली क्लोजिंग हो जाता है, उसमें मिलता है 1,500। पहले हमें 250 रुपीज़ करके मिलता था, ठीक है, और समथिंग अगर हाफ ईयरली है तो 500 करके। सो लोकेशन अलाउंस डिपेंड करता है, ये वाला आपको मिल सकता है। लर्निंग अलाउंस 850 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस 497 रुपीज़। सो ये सब मिलने के बाद जो आपका ग्रॉस होता है दैट इज 90,397, इसमें से अगर ये 1,500 को निकाल देंगे देन इट्स 89,000 अप्रोक्स, ठीक है, हम राउंड फिगर करके लेते हैं। इसमें आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जाता है 5,800, अगर हम इसको बोले कि 90 के कंपैरिजन में लगभग आपका 5% से भी कम पकड़ ले 4.5%, ठीक है। एंड एनपीएस के लिए 6,000, ये दोनों को मिला के हम पकड़ सकते हैं कि 10% आपका इसमें चला जाता है, 5/6/11 हो जाता है, ठीक है, 10% 10-11% जैसा, ठीक है। एंड हाउस रेंट जब आप लीज लोगे देन उसके लिए आपका 157 एक हाउस रेंट रिकवरी जाता है। टैक्स डिडक्शन जब आपका सैलरी आपका जो टैक्सेबल लिमिट है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है देन इसमें आप इनका 4,000 कट रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना आपका ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर आप न्यू एंड ओल्ड में जाते हो, अगर ओल्ड में जाते हो तो इनिशियली उसमें आपको अपना जो है इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है, ठीक है, सो दैट यू विल गेट इट एज एग्जेम्पशन, जो कि आपका डिडक्शन में रहेगा, ठीक है। और अगर आप न्यू में जाते हो देन ओवरऑल आपका इनकम कवर हो जाता है। सो इतने के बाद उनका डिडक्शन हो जाता है 16,000, ये इंडिविजुअल का रहेगा। एंड उसके बाद जो उनका इन हैंड सैलरी आपका रहता है दैट इज 73,800 जैसा, सो 74 हम ले सकते हैं, और 73,500 अगर वो 1,500 को हम छोड़ देंगे देन 72,000 आपका इन हैंड सैलरी रहेगा आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। सो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो ग्रॉस सैलरी हो जाता है वो ये है कि ग्रॉस सैलरी आपका 11 लाख अप्रोक्स आपका 11 लाख सैलरी हो जाता है आफ्टर ऑल द डिडक्शन, जो भी आपका टैक्सेबल इनकम आपका 60,000 आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका इन हैंड सैलरी जो हो जाता है अगर 1,115 जितना भी जाता है 11,52,000 समथिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो भी चला गया उसके बाद आपका 10.71 लाख आपका इन हैंड सैलरी है। तो इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा, दैट इज पेट्रोल का, ठीक है। सो यहाँ पर पेट्रोल में आपको अप्रोक्स 10,000 का, एंड उसके बाद आपको मिल जाता है न्यूज़पेपर,
और एक है 5-in-1, अगर लेंगे उसमें आपका सब कुछ एक में आपको 5 बेनिफिट्स एट ए टाइम मिलेगा, और आप अलग अलग करके भी ले सकते हो। ये आपको बस SBI PO में ही मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको एंटरटेनमेंट, जो अगर एंटरटेनमेंट आवा एंटरटेनमेंट का भी मिला के, ये सब मिला के एंटरटेनमेंट के लिए कितना मिल जाता है आपको 1400, ठीक है। पेट्रोल एंड न्यूज़पेपर ये सब मिला के 5-in-1 टाइप का, न्यूज़पेपर, क्लीनिंग, पेट्रोल, ये सब मिला के अगर आप अदर्स में हैं 10,000 मिल जाता है। एंड अगर आप रूरल में हैं तो आपको 9,000 मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अर्बन एंड रूरल का जो पोस्टिंग रहता है थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, मतलब सैलरी को लेके। जैसे आपको हिल वाला, मतलब जैसे आपको गैंगटॉक एंड हिल सेशन में आपको पोस्टिंग मिला है, देन वहाँ पर हिल अलाउंस भी एक मिलता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अलाउंस रहता है। एंड ये जो रहता है दैट इज़ परक्विजिट्स में। एंड उसके साथ साथ में आपका और भी एक रहता है कि आपको मंथली लीज मिल जाएगा अगर आप रेंटेड हाउस लेते हैं। जैसे नॉर्मली एज ए PO यू विल बी अवे फ्रॉम योर होम, दिस इज़ द हार्श ट्रूथ, पर आप हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनिशियली पीरियड में। वी लव इट। सो एज ए PO यू विल बी इन योर इनिशियल पीरियड, सो यू जस्ट एन्जॉय इट, लेटर ऑन यू विल गेट टू नो, बट वो धीरे धीरे होता रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो लीज में आपको मिल जाता है अप्रोक्स अच्छा खासा जो आप एरिया में रहेंगे, ये डिपेंड करेगा, एवरी बैंक टू बैंक वैरी करता है, ठीक है। और लीज के रिलेटेड जैसे आपको अर्बन मेट्रो में भी आपको मिल जाएगा 20 जैसे, ठीक है, और रूरल वगैरह में 10-11 के अंदर डिपेंड करता है, और सेवी अर्बन ये एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सब जो बेनिफिट्स के अलावा, जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगा देन आपको SOD के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपका जो है फेस्टिवल एडवांस, फेस्टिवल एडवांस क्या होता है, इसमें फेस्टिवल एडवांस में आपको एक आपको 1 मंथ का सैलरी, यहाँ पर पकड़ लो आपका 90,000 ग्रॉस सैलरी, जो 1 मंथ का ग्रॉस सैलरी होता है वो वाला आपको जीरो विथ जीरो इंटरेस्ट आपको मिल जाता है एंड अप टू द नेक्स्ट 10 मंथ। दैट मीन अगर 90,000 आप लिए हैं, एवरी मंथ 9,000 करके आपका अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा। सो इसका मतलब है कि आप 90,000 के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। और ये जो फेस्टिवल एडवांस है ऑल, मतलब SBI के इंक्लूडिंग के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सब में मिलता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। बट SOD जो SOD का जो फैसिलिटी है, स्टाफ OD फैसिलिटी, ये ओनली बैंक PO को ही मिलता है। बैंक में नॉट ओनली बैंक PO, क्लरिकल का रहता है, सब स्टाफ का भी लेता है, पर उनका लिमिट थोड़ा वैरी करता है, ठीक है। एंड ये जो है ओनली बैंक के लिए अवेलेबल हो जाता है SOD, ठीक है। जब आप आज बैंक PO ज्वाइन करोगे, ये तो आपको सैलरी थोड़ा बहुत दिखेगा, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट और भी जो हो जाता है कि हमारा और भी बहुत सारा बेनिफिट्स हो जाता है, जैसे कि आपका हाउसिंग लोन मिल जाता है, ठीक है, व्हीकल लोन मिल जाता है आराम से अच्छा इंटरेस्ट में, और हाउसिंग लोन भी आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाता है। इसके साथ में भी आपको जो भी इमरजेंसी वाला लोन है वो, उसके लिए भी आप एलिजिबल भी हो जाते हो, बैंक का इंटरनल गाइडलाइंस रहता है। और मेडिकल SBI का एक अच्छा है कि यहाँ पर आपका जो मेडिकल अलाउंस है, ठीक है, यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। एंड इसमें आपको SBI में मेडिकल के लिए आपको जितना भी आपका बिल होगा, रिमेंबर दिस, जितना भी आपका बिल होगा वो वाला अमाउंट, आपका जो बिल अमाउंट है वो आपको रिइंबर्स हो जाएगा। एंड इसमें भी ये है कि आपको कैशलेस, अगर लिंक्ड हॉस्पिटल है देन उसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन SBI, जो कि नॉर्मल बैंक के केस में जो IBA दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनमें कुछ कैप लिमिट होता है, ठीक है। सो जैसे 4 लाख 6 लाख डिपेंड करता है, दिस इज़ द बैंक टू बैंक वैरी करता है, पर ये एक अच्छा चीज़ है SBI के केस में। एंड लिमिट भी डिफरेंट करता है, इसमें आपको और भी एक अच्छा है जो कि आपको कॉन्फर्मेशन के बाद मिल जाएगा, दैट इज़ द वो है फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अलाउंस। सो फर्नीचर अलाउंस में भी आपका लिमिट रहता है एवरी बैंक में, साथ ही साथ SBI का भी फर्नीचर अलाउंस रहता है, उसमें आप जो भी फर्नीचर बाय करोगे उसको आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप SBI PO में ज्वाइन करोगे और भी बहुत सारा कुछ है जो आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखता है, जैसे कि अगर आपका ट्रेनिंग होता है देन आपका नॉट ओनली SBI PO, कोई भी बैंक PO में आप ज्वाइन करते हो, जो भी आपका ट्रेनिंग होता है या फिर आप कोई आउटसाइड बैंक या ड्यूटी में गए हो उसके लिए आपको मिल जाता है डाइम, ठीक है।
ये भी इसमें भी आपको एक बात है कि आप जैसे ट्रेनिंग के टाइम यू विल बी अवे फ्रॉम योर वर्क, स्टिल विल गेट पेड समथिंग मोर, जो आपका सैलरी है उससे के उसके साथ भी आपको कुछ एडिशनल मिलता है, ठीक है। और ये जितना फॉरकास्टर्स है उसके ऊपर जो टैक्स है वो यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक की तरफ से पे हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनिशियल पीरियड में अगर हम ओवरऑल जो भी डिडक्शन हो जाता है 72,000 के सैलरी, दिस इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है बैंक में पॉजिटिव नेगेटिव ऑल दोज थिंग्स अलग बात हो जाता है। अगर आज जान जो होता है हमारा मिडिल क्लास जो हम गांव से आते हैं, एंड नॉट ओनली गांव, जैसे मैं खुद भी गांव से आया हूँ, ठीक है। वहाँ पर ये एक आपको बेस दे देता है, एक रीज़न दे देता है हमारा पेरेंट्स, हमारा जो फैमिली है उनको एक उनका एक हैप्पीनेस के लिए। एंड मोस्टली हम लाइफ में क्या करते हैं यार, हम खुद पता है मेरे हिसाब से जो लगता है हमें लाइफ में खुद से ज़्यादा जब हम अपनों को खुशी देखते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। एंड बस उसी के लिए, इसी का नाम मतलब जो बोलते हैं ना जीवन का नाम संघर्ष है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई बात नहीं, इनिशियल आप प्रिपरेशन किए हो, जस्ट गो फॉर इट एंड आराम से गेट दिस जॉब फर्स्ट। एंड हाँ, साथ में और कुछ फोकस करना वो अलग बात हो जाएगा, बट यू नो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर शॉर्ट टर्म गोल वन बाई वन। आप 1+2+5 कभी भी नहीं कर सकते, बस यू नीड टू गो 1+1, इस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। टेक योर फर्स्ट स्टेप, अभी आप जो फर्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस कर रहे हो उसके ऊपर वर्क करो, उसके ऊपर ध्यान दो एंड गेट दिस सिलेक्शन। एंड सक्सेस इज योर्स ओनली, डोंट वरी, बिकॉज यू आर द वन जो आप खुद के लिए खड़े हो सकते हो ऑल द टाइम। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कीप गोइंग। कुछ भी क्वेरीज है एनी एग्जाम्स रिलेटेड टू योर बैंकिंग प्रिपरेशन, टू दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड डोंट वरी, कोई भी आपका एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम आपको डाउन या कुछ भी फील होता है, डू यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी इन हुआ टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है। उसका चैनल का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। सेम हमारा जो है आपकी एग्जाम गाइड आप टाइप करोगे @ करके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। होपफुली आपको ये वाला वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, एंड मेन हमारा फोकस रहता है कि आपको मोटिवेट फील कराना, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।